बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आईटी लीनियर अलजब्रा थर्ड सेमेस्टर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हमने पहले वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज दोबारा मैं इसको करवाती हूँ एक डेफिनेशन इसकी। और अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इंक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज 2, -1, 3, -5, 4, 7 कि ये रेक्टेंगुलर एरे है, इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरे इंक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, इनको ब्रैकेट्स में क्लोज किया गया है, सच एज दिस इस कॉल्ड मैट्रिक्स। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये रोज कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। द नंबर्स यूज्ड इन रोज एंड कॉलम्स आर इट्स एंट्रीज आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं या इसको हम एंट्रीज भी कहते हैं। आगे इसके थोड़ा सा हम गो थ्रू होते हैं। द aij इज नोन एज द ijth एलिमेंट और एंट्री ऑफ ए, कि ये उसकी ijth एंट्री है, यानी कि 2, 1 अगर हम यहाँ लिखते हैं इसमें आई में 2, तो ये 2, 1 फर्स्ट इसकी एंट्री होगी। ये पिछले लेक्चर में इसमें एक्सप्लेन हो चुका। रो मैट्रिक्स जिसमें ए की रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर इफ़ mn इज़ नॉट इक्वल टू, वो m इज़ नॉट इक्वल टू n, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m हम रोज को ले रहे हैं और कॉलम्स हम n को ले रहे हैं, कि अगर रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं हैं तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। देन इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, विच इज डैट इज़ द मैट्रिक्स इन विच नंबर्स ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, के उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। जैसे अब इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 का है, और ये हमारे पास कितनी रोज हैं इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 3। स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स इफ़ एम इज़ इक्वल टू एन, एम से मुराद रोज और एन से मुराद कॉलम्स, इफ़ एम इज़ इक्वल टू एन देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज सेड टू बी अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम और एन, कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इनको कह सकते हैं ये स्केयर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एम भी कह सकते हैं और एन भी कह सकते हैं। The matrix which has same number of rows and columns is called square matrix. उसको हम square matrix कहेंगे। जैसे ये एक ही रो है एक ही कॉलम है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास square matrix है, square matrix है। आगे इसको denote करने के लिए capital letter और aij और brackets इसके पी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसको हम अगर हम ऑर्डर नहीं लिख रहे, ये लिख रहे हैं कि इसका ऑर्डर n है, तो इसका मतलब इसमें n ही रोज हैं और n ही इसमें कॉलम्स हैं। अगर हम इसकी एंट्रीज लिखें a11 a12 a13 a14 a21, यानी कि ये पहली रो के पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम और दूसरी रो का चौथा कॉलम, इसी तरह ये तीसरी रो के सारे कॉलम्स और ये चौथी रो के सारे कॉलम्स। द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगनल्स आर, अब प्रिंसिपल डायगनल की एंट्रीज इसमें ये डायगनल बनता है, यानी कि a11 a22 a33 a44, एंड द एंट्रीज ऑफ द सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स, सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स में हमारे पास ये वाली एंट्रीज बनती है, तो ये वाली एंट्रीज, ये वाली 1 4 2 3 3 2 4 1, ये प्रिंसिपल डायगनल और ये सेकेंडरी। अब प्रिंसिपल डायगनल ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लीडिंग डायगनल और मेन डायगनल ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम लीडिंग डायगनल या मेन डायगनल भी कहेंगे। डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें डायगनल में एंट्रीज हों और बकिया उसकी एंट्रीज 0 0 हों। लेट ए आई जे बी अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्केयर मैट्रिक्स से मुराद है कि उसमें रोज और कॉलम्स बराबर हों। इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, कि जब आई जे के इक्वल नहीं है तो वो, वेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे तो वो नॉन जीरो है,
और जब आई जे के इक्वल है तो अब इसमें क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो जब आई जे के इक्वल नहीं है एंड एट लीस्ट वन ए आई जे विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, कि एक कम अज़ कम एक ए आई जे जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है जब आई जे के बराबर है, कम अज़ कम एक। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास ए वन वन पोजिशन है और ये है ए वन टू पोजिशन और ये है ए वन थ्री पोजिशन। अब देखें ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री, ये नॉन ज़ीरो है, कम अज़ कम इसमें से एक, अगर ये ज़ीरो हो भी गया तो कम अज़ कम एक इसमें नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगनल मैट्रिसेस कहलाएंगे, जिसमें के ये जो जब ए आई जे बराबर हैं, ए आई और जे जब बराबर हैं तो ये नॉन ज़ीरो हैं और बकिया सारे ये ए वन टू जब आई जे के इक्वल नहीं है तो ये ज़ीरो है, ठीक है। तो उस वक्त ये ज़ीरो है जब ये बराबर नहीं है, जैसे ये बराबर नहीं है, वन और टू है ये बराबर नहीं है, ये वन वन जो है ये हमारे पास बराबर है, तो ये हमारे पास जब बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या है वो ज़ीरो है, जब बराबर नहीं है तो ज़ीरो ज़ीरो है, जब बराबर हैं तो वो नॉन ज़ीरो है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो ये ज़ीरो है, और ये बराबर नहीं है तो ये नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स के लिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स लेट ए आई जे बी अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू के, यानी कि इसमें हर जब आई जे के इक्वल है तो एक ही नॉन ज़ीरो स्केलर हो रहा है, के इक्वल है, यानी कि ए वन वन भी के इक्वल है, ए टू टू भी के इक्वल है जब ये बराबर है, ए थ्री थ्री भी के इक्वल है, जित अगर वो थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एग्जांपल आगे ये है कि देखिए जब ए वन वन और ए टू टू ये हमारे पास सेवन के इक्वल है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसी तरह ये भी इसके भी डायगनल में एक ही एलिमेंट आ रहा है तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो अगर ये स्केलर वन वन हो जाता है इसके प्रिंसिपल डायगनल में, मेन डायगनल में, बकिया एंट्रीज इसकी ज़ीरो ज़ीरो आ जाती हैं, यानी कि जब आई और जे बराबर हैं तो वन वन है, जब आई और जे बराबर हैं जैसे ये आई जे के बराबर है तो वो वन है और जब आई जे के बराबर नहीं है तो वो ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो है। इसकी क्या डेफिनेशन हुई, लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे बी अ स्केयर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखेंगे डेफिनेशन में, लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे बी अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू वन फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे, कि जब आई जे के इक्वल है तो वो वन है अदरवाइज वो ज़ीरो है, देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसको हम लिखेंगे किस तरह, इसको किससे डिनोट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से और एन उसका ऑर्डर होगा कि कितने ऑर्डर का है ये, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि प्रिंसिपल डायगनल में हमने वन वन लिख दिया बकिया एंट्रीज इसकी ज़ीरो आ गई। नल मैट्रिक्स आर ज़ीरो मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हूज ईच एलिमेंट इज ज़ीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, कि जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स को। इक्वल मैट्रिसेस आगे है, इक्वल मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की उसकी पहली रो की पहली रो पहले कॉलम की अगले मैट्रिक्स की पहली रो के पहले कॉलम की एंट्रीज ज़ीरो सेम हो तो फिर हमारे पास वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है ये बी दूसरा मैट्रिक्स है आर इक्वल डेट इज़ ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये आई डबल एफ है इफ़ एंड ओनली इफ ए आई जे इज़ इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई बी फ्रॉम वन टू एम और जे वन टू एम, इन अदर वर्ड्स ए एंड बी रिप्रजेंट्स द सेम मैट्रिक्स, सेम हो तो वो इक्वल हो। उसके बाद है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हमने कल पढ़ लिया
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का भी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि अगर हम रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कल हमने एडिशन वाला पढ़ लिया था और अब हम मल्टीप्लीकेशन वाला पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, यानी कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ए बी, तो हम उनका ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कि कब वो होंगे, जब उसके एक कॉलम के नंबर ऑफ रोज दूसरे कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन होंगे। अब इसमें ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि ये आप जब ये एग्जांपल देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है टू रोज और थ्री कॉलम्स, और इसका ऑर्डर है थ्री रोज और टू कॉलम्स। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होंगे तो इनकी कन्फर्मेबल फॉर, तो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन होंगे। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए, उसकी टू रोज होंगी और टू कॉलम्स होंगे। अब ये जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया है ये टू क्रॉस टू का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में थ्री थ्री, और अब ये हमारे पास टू बाई टू का मैट्रिक्स आएगा। इसको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं कि ये इसकी पहली रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जैसे ए वन वन बी वन वन से मल्टीप्लाई होगा, और ए वन टू बी टू वन से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस ए वन थ्री बी थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा, और ये सारी ऐड हो जाएंगे। तो ये पहले रो की पहली, ये चूँकि पहली रो है और पहला कॉलम है तो इसकी ए वन वन एंट्री बनेगी। इसी तरह जब ये वन है और ये कॉलम टू है तो ये वन टूथ एंट्री बनेगी इसकी, यहाँ लिखा जाएगा ये, यानी कि ए वन वन बी वन टू से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा, ए प्लस ए वन टू बी टू टू से, और ए वन थ्री बी टू थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह ये सेकंड रो का पहला कॉलम जब मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगे तो ये इस कॉलम का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री बनेगी। इस तरह ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री बनेगी। अब सिमिलरली बी ए, अब हम बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए वही मैट्रिसेस हैं, वही मैट्रिसेस हैं कि ये ए बी था, पहले हमने ये मैट्रिक्स लिखा उसके बाद ये लिखा। अब हम आगे क्या कर रहे हैं कि पहले हम इसको लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं, बी ए अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब बी हमने पहले लिख लिया, अब ये इसमें कितनी रोज़ हैं, थ्री रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं टू, और इसमें रोज़ कितनी हैं टू और कॉलम्स कितने हैं थ्री। अब इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास आएगा थ्री बाई थ्री का, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री का आएगा हमारे पास। अब हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि हम इसकी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास पहली रो का पहला कॉलम रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आ जाएगा। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा कॉलम आ जाएगा। इसी तरह पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स की ए वन थ्री आ जाएगा, पहली रो का तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का पहला कॉलम रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आ जाएगा। इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। इसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम और थर्ड सेकंड रो और थर्ड कॉलम आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रो को पहले कॉलम से तो ये हमारे पास थर्ड रो का पहला कॉलम, थर्ड रो दूसरा
सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें कि जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, ये तो हमारे पास बी ए है, इससे पहले हमने किया था ए बी, वही मैट्रिक्स थे, लेकिन जब हमने ए बी को किया तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये आया, और जब हमने बी ए को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये आया, और ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स आया है। तो अब ये मैट्रिक्स इंटायरली चेंज है, जो कि पीछे ए बी, ए को पहले लिखा था और बी को हमने बाद में लिखा था, ये उससे चेंज है। इसका मतलब है कि ए बी एंड बी ए आर आइडेंटिफाई आर डिफाइंड एंड देयर ऑर्डर्स आर 2x2 और 3x3 रिस्पेक्टिवली, कि उस पिछले का रिजल्ट हमारे पास 2x3 आया और इसका रिजल्ट हमारे पास, इसका ऑर्डर हमारे पास 3x3 में आया है। तो इसका मतलब है कि बोथ प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड बट बी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव से मुराद ये है कि हमारे पास रिजल्ट सेम नहीं आता, कि अगर हम इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ए बी इज़ इक्वल टू बी ए या ए इज़ नॉट, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। इफ़ द प्रोडक्ट ए बी इज़ डिफाइंड देन द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज गिवन बिलो, ये वही चीज़ कि एम एन एक का है, दूसरे का एन पी है, तो ये आपस में ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा एम पी, इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स एम पी आएगा। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एम क्रॉस एन है, ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास एन क्रॉस पी है, तो ये एन एन से, यानी कि यूँ समझ लें कि कैंसिल हो गया, सेम थे, अब ये हमारे पास आ जाएगा एम क्रॉस पी, इसका ऑर्डर हमारे पास एम क्रॉस पी है। और अगर ये दोनों सेम होंगे तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर नहीं है ये दोनों सेम, ये सेम इसीलिए कि ये इनको हमने ओमिट करना है और ये इनका आंसर होगा एम पी, तो ये एम पी ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास एम पी आ जाएगा। ये एग्जांपल है, आप इसको कर लीजिएगा, ये ए है ये बी है, ए का स्केयर पहले फाइंड आउट किया है, फिर ए का स्केयर बी फाइंड आउट किया है, ये फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक का पेज नंबर 88 है, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं, वरना असाइनमेंट के तौर पर आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, अ स्केयर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ़ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो अदरवाइज इट इज़ नॉन सिंगुलर, कि अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ जाता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जैसे टू का है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो डिटर्मिनेंट अगर हमारे डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर जैसे इसका डिटर्मिनेंट है 1, 4, 2 और 8 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 × 8 आ गया, और इन दोनों को किया माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगर हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है 8 − 8, 4 × 8, 8 − 8, तो वो हमारे पास जीरो आ जाता है। दिस इंप्लाइज दैट बी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज़ इक्वल टू 10। ए अगर हमारे पास फर्स्ट करें कि ये मैट्रिक्स है 2 − 1, 4 और 3, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 6, 6, और इन दोनों को ये 6 − इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो −4 आएगा, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 6 + 4 विच इज़ इक्वल टू 10, तो ये 10 है, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो हमारे पास सिंगुलर है, और अगर नॉन ज़ीरो है तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, अगर नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा।